आपको बता रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और बड़ी खबर बता रहे हैं, आईओए ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। समिति सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त का बड़ा बयान भी सामने आया है और मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आईओए ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान सामने आया है। मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आईओए ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आपको बताना चाहेंगे कि कमेटी सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त का बड़ा बयान सामने आया है। मामले में गंभीरता से होगी जांच। दत्त का ऐसा जो बयान है वो तब सामने आया है जब लगातार प्रदर्शन चल रहा था और आईओए ने अब 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। महिला यौन शोषण का ये बड़ा गंभीर मसला है और हमारी 7 सदस्यीय कमेटी भारतीय मिशन ने जो हमारी अध्यक्ष पीटी उषा जी, उन्होंने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्ष ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन मेरी कॉम जी हैं, उपाध्यक्ष भी अशोक रघुनंदा जी हैं, सहदेव जी हैं जो हमारे मिशन के ट्रेजरार हैं, 2 इसमें वकील भी हैं। इसकी जाँच की जाए किस तरीके से हम खिलाड़ियों को जिनके साथ यौन शोषण उसको न्याय दिला सके, उनसे पूछिए कि क्या दिखते हैं। और मेरा खुद का ही मानना है अगर मैं इस कमेटी में नहीं भी होता या इस ओलंपिक संघ का मैं हिस्सा नहीं होता तब भी 3 दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि हम किसी भी मुद्दे पर किसी भी जो भी हमारी दिखते हैं उस पर हम बातचीत करके बीच का रास्ता निकल सकता है, पर जो ये आरोप लगाया है सेक्सुअल हरासमेंट का इसमें बीच का रास्ता नहीं होता। इसमें अगर ये चीजें हुई हैं तो उसकी जाँच होनी चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। इसमें कभी भी ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो उसकी दिक्कतें बड़ी होती है। और अगर आरोप लगे हैं और आप ये झूठे हैं तो क्यों लगाए हैं, मकसद क्या है लगाने का।